अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असमतुल्लाह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू। आज की वीडियो के अंदर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तुलबा के लिए एक नहीं बल्कि दो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं शेयर करने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह से मेन कैंपस और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस इन दोनों चीज़ों को बंद कर दिया था। रीजनल ऑफिस भी बंद कर दिए थे जो कि 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक बंद हो गए थे। तो आज है 12 जुलाई, कल के दिन इंशाल्लाह अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन जो यूनिवर्सिटी है वो भी ऑन कर दी जाएगी, यानी कि ओपन कर दी जाएगी और जितने भी रीजनल ऑफिस थे उसको भी ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाकर कोई काम वगैरह करवाना है तो वो कल सुबह 9 बजे के बाद वहाँ पर जाकर काम करवा सकते हैं। अगर मेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पर भी जा सकता है, यूनिवर्सिटी ने इसको रीओपन कर दिया है। उसके अलावा 8 जुलाई को जो पेपर होना था जिसको यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिया था वो पेपर अब 19 जुलाई 2022 को होने जा रहा है। इसके हवाले से जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपके सीएमएस अकाउंट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। अगर अपडेट नहीं की जाएगी तो जो पुरानी रोल नंबर स्लिप है उसके थ्रू भी आप अपना इम्तिहान दे सकते हैं और उसका जो पेपर है वो सेकेंड टाइम भी लिया जाएगा। टाइम वही होगा, सिर्फ डेट तब्दील हो चुकी है और सेंटर भी वही होगा जिसके पहले जिस सेंटर के अंदर पेपर होना था अभी भी उसी सेंटर के अंदर ही पेपर लिया जाएगा। उसके अलावा आप अपनी दूसरी अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेट ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि एफए आईकॉम उसके अलावा एमएस एमफिल पीएचडी की जो एडमिशन है वो इंशाल्लाह 15 जुलाई 2022 को ओपन होने जा रहे हैं जिसमें 2 से 3 दिन बकाया रह चुके हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी और ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इनका लिंक भी आ जाएगा। जैसे ही लिंक आएगा तो मैं आपको तरीकाकार भी समझा दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने इसके अंदर एडमिशन लेना है। तो ये कुछ अपडेट्स थे, मैं इसके हवाले से आपको आगाह कर दूं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।